ये देखिए मैंने यहाँ पे मिश्रण डाल दिया है मिक्सी जार में और अब मैं इसको चलाऊंगी। इसको मैं ज़्यादा लंबे लंबे टाइम के लिए नहीं चलाऊंगी, इसको मैं एक एक दो दो मिनट चला के फिर बंद करके फिर चला के एक दो मिनट के लिए ऐसे मैंने इसको चलाया है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, ज़्यादा टाइम के लिए इसको मत चलाइएगा, ज़्यादा देर के लिए थोड़े थोड़े मतलब रोक रोक कर फिर चलाइएगा। इससे आपका जो मिश्रण है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये मिश्रण तैयार है, ये देखिए ऐसा ही होना है बिल्कुल ही। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच से करके, अंदर की साइड जम सा गया है। ये देखिए बिल्कुल ये मिश्रण सही है, परफेक्ट है, इतना ही हमें चाहिए था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं दूसरी बार कर रही हूँ क्योंकि एक ही बार में नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा था। तो मैं अब दूसरा जो मिश्रण है इसका वो डाल दिया है मैंने मिक्सी जार में और अब मैं इसको चला दूँगी अच्छे से। ये मैंने ढक्कन लगा के, अब ये देखिए यहाँ पे मिश्रण हमारा तैयार है। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही पाउडर टाइप बना है ये। इसको हमने ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाया था, धीरे धीरे करके चलाया था, थोड़ा सा टाइम लगा था पर इतना भी नहीं लगा था। और ये आप यकीन मानो बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा देगा अगर आप इसको दूध के साथ पियोगे तो। आपको दूध के साथ इसमें डेली एक चम्मच डाल के पीना है। आप जब भी दूध पियोगे उसी टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल दिया है कितना सारा है ये इस मिश्रण को मुझे जिस जार में रखना है मैं उसमें आपको डाल के दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया है कितना सारा है ये आप देख सकते हो। ये देखिए एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, इसे एक दो महीने लगातार पीजिएगा दूध के साथ और फिर देखिएगा आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें काले चने हैं, बादाम है, खसखस है, ये सब ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके सेवन से हमारी जो वीकनेस होती है वो सही होगी, हमारा इम्यून सिस्टम वो सही होगा। तो जो हेल्दी है वो भी इसको खा सकते हैं और जो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं, बस बच्चों को मत दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध की ग्लास में पाउडर डाल दिया है और अब ये पीने के लिए रेडी है। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।